बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ शहदा कुरैत, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन मींस लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स चैप्टर से दिया गया एक क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व 3ay² इक्वल टू 2x³ बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड x,y। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी dy/dx की। तो जो कर्व दे रखा है वहाँ से पहले तो हम y की वैल्यू फाइंड करके रखते हैं, यानी कर्व दे रखा है हमको 3ay² इज इक्वल टू 2x³। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो y² इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 a, यहाँ पर ले लें, और x³ वेरिएबल है। यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, y² की वैल्यू फ़िलहाल अभी निकली है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। यहाँ से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको, अभी चूँकि dy/dx की ज़रूरत होती है हमें लेंथ फाइंड करने के लिए, तो डिफरेंशिएट यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इधर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, और ताकि dy/dx इसकी वैल्यू मिल जाए। तो डिफरेंशिएट जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2y, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। 2/3 a कॉन्स्टेंट है, और x³ का डिफरेंशिएशन पावर आ गया जाएगी, और जितनी भी पावर होगी उसमें से कम हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 ये भी लेफ्ट और राइट में भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो dy/dx की वैल्यू हमको यहाँ मिली है वो x² / a, और y को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x² / y, इसकी हमें ज़रूरत होगी, इसलिए फाइंड किया। क्यों ज़रूरत होगी पता हो जाएगा। वैसे तो आमतौर में मैं कभी इस कर्व को भी प्लॉट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्लियर है तो हमें वी हैव नॉट नेसेसरी टू ट्रेस दिस कर्व, तो हम इसको कर्व को ट्रेस नहीं करते हैं, और फार्मूला आप लिख रहे हैं जो हमको फाइंड करना है, हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ निकालनी है, द रिक्वायर्ड लेंथ, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फार्मूला होता है रेक्टिफिकेशन के लिए, लाइन यानी लेंथ निकालने के लिए किसी प्लेन कर्व का, 1 + dy/dx होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx। और इसमें लिमिट क्या रहे कि देखिए ये dx है तो x की लिमिट हमें देखना है कि x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जाना है। कर्व पर पॉइंट बता दिए हैं कि हमें इस पॉइंट से शुरू करना है। यहाँ पर पहला पॉइंट f से होता है x का, और दूसरा y का होता है ऑर्डिनेट का। तो x की वैल्यू देखें कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, ये 0 से x तक चेंज हो रही है। तो x की वैल्यू 0 से x तक चेंज हो रही है। अब यहाँ पर हम इसको, ये वाला x कोई भी पॉइंट हो सकता है, और उसमें dy/dx की वैल्यू, जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर रखी है इक्वेशन नंबर 2 में, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 से वैल्यू डाल देंगे dy/dx की। तो 1 + dy/dx की वैल्यू है x² / ay, और इसका होल ऑफ स्क्वायर करना, तो यहाँ पर हमने होल ऑफ स्क्वायर कर दिया dx। अब होल ऑफ स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो x² क्या करेंगे, स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी, a² और y की पावर 4 हो जाएगी। तो अगले पेज पे हम जा रहे हैं, साथ में नोट करते हुए चलेंगे तो आसानी रहेगी। 0 to x 1 + x² / a² y² dx इज इक्वल टू 0 to x। अब यहाँ पर 1 +
एक्स की पावर फोर और ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर वन में, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखी है, तो इस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देंगे। हमारा जो चल रहा था अभी इंटीग्रल, एस की जो वैल्यू चल रही थी रिक्वायर्ड लेंथ, यदि वहाँ पर एस, वहाँ पर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर की जगह पर रखना है टू ए टू सॉरी टू अपॉन थ्री ए और एक्स की पावर थ्री, इतना है हमारे पास, और लास्ट में लिखा हुआ डी एक्स। देख रहे हैं यहाँ पर ए से एक पावर ए की कैंसिल हो जाएगी और ये थ्री डबल अपान में है तो उसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास बचेगा ओनली इज इक्वल टू लिमिट है ज़ीरो टू एक्स वन प्लस एक्स की पावर ये फोर है ये थ्री है तो कैंसिल होगी, थ्री पावर कैंसिल हो जाएंगी तो वन पावर यहाँ पर बचेगी, तो एक्स बचा हुआ है उससे पहले थ्री ऊपर पहुँचा और टू और एक की ए पावर, एक ही एक पावर बची हुई थी क्योंकि एक कैंसिल हो गई थी और लास्ट में डी एक्स है। अब यहाँ पर जो कि एक्स में वन पावर है तो हम इसे पूरे को एक्स समझते हुए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाने का मतलब होता है कि हमें उस पर पावर लगा देना होगी वन बाई टू, और जब इंटीग्रेट करते हैं इसको एक्स समझते हुए तो जिस तरीके से एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो इस इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करें और इस पूरे को एक्स समझें, लेकिन हमें इसमें कुछ और भी कुछ करना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी इसको एक्स समझते हुए इस फार्मूले का यूज़ करें और हम ऐसे लिखेंगे वन प्लस थ्री एक्स अपान टू ए की पावर वन बाई टू में वन ऐड हो जाएगा और उतने अपान में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साथ में देखिए हमने इसे एक्स समझा है लेकिन ये एक्स है नहीं, प्लस कॉन्स्टेंट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं और यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा, लेकिन जो एक्स का कोफिशेंट होगा थ्री अपान टू ए यानी एक्स के साथ में कितना है प्लस या माइनस के बाद, तो माइनस भी अगर होता तो इंक्लूड करते हैं यानी प्लस साइन के बाद जो है एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री अपान टू ए से, तो इसको हमें यहाँ पर पूरे इसमें डिवाइड में लिखना होगा, तो हमें यहाँ पर डिवाइड में लिखना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी थ्री अपान टू ए लिखना होगा कॉफिस एक्स के कॉफिशेंट से डिवाइड कर देंगे, और चूँकि ये लिमिट है तो यहाँ पर लिमिट लगाना होगी एक्स की वैल्यू ज़ीरो से एक्स तक रखना है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे ये थ्री बाई टू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी सॉल्व होकर टू ए, ये डबल अपान में है तो टू ए का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे लिमिट के से बाहर भी लिख दे रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स ही वेरिएबल है तो एक्स को इसके इसमें से बाहर नहीं आ पाएगा जब तक लिमिट ना रख लें, और ये सॉल्व करने पर ये थ्री बाई टू हो जाएगा, इससे भी यहाँ पर थ्री बाई टू को भी बाहर ले लेंगे और ये टू ए तो ऊपर लिख दिया, ये वाला थ्री बचा हुआ है तो उसको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और टू ए ये ऊपर पहुँचा था और थ्री बाई टू इतना आ गया। अब हमारे पास जिस पर हमें लिमिट लगानी है वो बचा है वन प्लस का थ्री एक्स अपान टू ए, ये बचा है उसकी पावर है ये थ्री बाई टू, इनको जोड़ ऐड करेंगे एक और आधे को डेढ़ यानी तीन का आधा हो जाएगा ज़ीरो टू एक्स। अब ये थ्री ये टू जो है डबल अपान में इसका ऊपर जाके टू ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में थ्री इंटू थ्री ये हो जाएगा नाइन के इक्वल हो जाएगा, ये नाइन के इक्वल हो गया और यहाँ पर हम अपर और लोअर लिमिट लगा सकते हैं अप्लाई कर देंगे, तो अपर लिमिट के लिए जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर ये अपर लिमिट एक्स रखना है, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स की जगह पर एक्स आ चुका है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस लोअर लिमिट में जहाँ पर भी एक्स मिलेगा आप लोअर लिमिट ज़ीरो रखना है, तो जहाँ पर भी हमें एक्स मिलेगा वहाँ पर हमने ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो रख दिया, और ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा फोर ए अपान में नाइन और वन प्लस का थ्री एक्स अपान टू ए की पावर थ्री बाई टू माइनस ये ज़ीरो का इंटू होगा पूरा ज़ीरो हो जाएगा सिर्फ वन बचेगा, और इस तरीके से हमारा कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व अकरुद दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।